सो हे यो गाइज, वेलकम बैक टू योर चैनल सी थ्री गेमर्स एंड आई एम योर फ्रेंड रोहित, बैक अगेन विथ न्यू वीडियो। सो भाई लोग, आज के वीडियो में हम करने वाले मेल कैरेक्टर अलोक वर्सेस फीमेल कैरेक्टर M124। तो यार, वीडियो चालू करने से पहले आप सभी को एक बात क्लियर कर दूं कि जो हमारा फीमेल कैरेक्टर है A124, यार तो उसका नाम लेने में मेरे को थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो उसका हम देसी नामकरण कर देते हैं। तो उसका जो मैं देसी नामकरण कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ आधा रोबोट, क्योंकि आप उसके फेस को देखोगे तो वहाँ पे आपको एकदम थोड़ा आधा रोबोट जैसा दिखेंगे और एक आधा ह्यूमन जैसा। तो इस वजह से मैं इसका नाम रख रहा हूँ आधा रोबोट। तो यार, नाम को कोई सीरियस मत लेना, फनी वे में ले जाना, एंड क्योंकि मेरे को उसका ओरिजिनल नाम लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं उसका नाम रख रहा हूँ आधा रोबोट। तो चलिए वीडियो की बात करते हैं। तो गाइस, हम जो इन दोनों कैरेक्टर में बैटल करवाने वाले हैं, मतलब इन दोनों को फाइट नहीं करवाएंगे, इन दोनों की एबिलिटी टेस्टिंग करेंगे। जैसे आप में से काफी लोगों को पता होगा कि शक्तिमान है वो अपनी एक उंगली को ऑफ करता है और चक्री घूमता है, और चक्री घूमने के बाद जहां मर्जी वहां पहुंच जाता है। वैसे इन दोनों कैरेक्टर में एक चीज कॉमन है कि इन दोनों के पास एक ऐसा बटन है जिसे दबाने के बाद हमें कुछ एचपी मिलती है। तो उनकी सारी चीजें जानेंगे, कौन कितनी एचपी देता है, कौन कितने टाइम में कितनी जल्दी एचपी देता है। तो कुल मिला के वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। एंड जो भी नए व्यूअर्स है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो यार, हमें थोड़ा आपके सपोर्ट की जरूरत है, तो हमारे वीडियो की लिंक जो अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करिए। तो बाकी चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम इन दोनों कैरेक्टर की एबिलिटी देख लेते हैं। तो गाइस, जो डीजे अलोक की एबिलिटी है वो है, एबिलिटी ये है कि आपके इसके बटन को जब भी आप दबोगे तो आपके 5 मीटर में एक ओरा बनेगा, जिस ओरा में रहते हुए आपको 15% की मूवमेंट स्पीड देखने को मिलेंगी, एंड साथ ही साथ आपको 10 सेकंड के लिए प्रति सेकंड पे 5 एचपी देखने को मिलेगा। और गाइस, इस साइड फीमेल कैरेक्टर आधे रोबोट की बात करें तो इसकी एबिलिटी ये है कि क्विकली कवर 45 ईपी इनटू एचपी। इसका मतलब है कि आपकी जितनी जो ईपी होती है मशरूम खाने के बाद, वो कवर हो जाएंगी एचपी में, क्विकली हो जाएंगी। इधर मेरा एक लेवल कम है इसलिए 45 है, वरना मेरे को 50 एचपी मिलती। तो गाइस, ये हो गई एबिलिटी की बात। अब हम इन दोनों की एबिलिटी यूज करते हैं, देखते कि कौन किसकी एबिलिटी ज्यादा पावरफुल है। तो सबसे पहले हम डीजे अलोक की एबिलिटी को यूज करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 125 की एचपी थी मेरी, एंड मैंने बटन दबा दिया था, तो अभी देखते कि कितने पे एचपी अटकती है। तो पहले 125 की एचपी थी, एंड अभी मैंने बटन दबा दिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 175 की एचपी पे मेरे जो एचपी रुक गई, बटन रुक गया, एंड सिंपल सी बात है 10 सेकंड में जो 50 की एचपी मेरे को मिली। तो अब बात करते हैं हमारे आधे रोबोट की। तो गाइस, इधर हमारे जिंदा रोबोट की बात करें तो हमें पहले इधर एक मशरूम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें ईपी होंगी तभी इसकी स्किल वर्क करेंगी। तो इधर एक मशरूम खा लेता हूँ, इस बटन को दबा देता हूँ। मैंने इसको 113 पे दबाया था, आप देख सकते हो 166 पे रुक गया। तो मेरे को ये एचपी कवर करने में सिर्फ 4 से 5 सेकंड लगा। अलोक 10 सेकंड लेता है, ये 4 से 5 सेकंड में आपको 50 की एचपी दे देता है। तो ये बात मेरे को बहुत ही अच्छी लगी, बट आपको इसमें ईपी की जरूर रहेंगी। तो बस इन दोनों की एबिलिटी की टेस्टिंग की, एंड मेरे को तो यार हमारा जिंदा रोबोट बहुत पसंद आया, क्योंकि उसने सिर्फ 5 सेकंड के अंदर ही हमें 50 की एचपी दे दी। पर इसको यूज करने के लिए हमें ईपी की जरूरत थी, एंड अलोक हमें बिना ईपी के एचपी देता है, हमारे साथ साथ हमारे दोस्तों को एचपी देता है, और साथ ही साथ हमारी मूवमेंट स्पीड को भी बढ़ाता है। तो यार, दोनों में कांटे की टक्कर चल रही है सभी। चलिए हमें आगे देख लेते हैं, इन दोनों में से ज्यादा पहले रिकवर कौन हो जाता है, रिकवर अपनी स्किल को कौन कर लेता है, वो चीज हम देखते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आप साफ सीधा देख रहे हो कि दोनों ने अपनी स्किल को यूज किया, जैसे स्टॉप हुआ मैंने दोनों की फुटेज एक साथ चालू की है, देखते हैं यहाँ पे कौन जीतेगा, कौन हमारा विजेता होगा, अपनी स्किल को रिकवर करने में सबसे ज़्यादा कौन पहले रिकवर कर लेता है। यहाँ पे मैंने थोड़ी स्पीड बढ़ा दी है, क्योंकि यार इसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो, इसलिए मैंने इसकी स्पीड बढ़ा दी है। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं दोनों का दिख रहा है आपको बटन, कौन भी अपनी स्किल को जल्दी रिकवर करेगा उसकी बात हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अलोक ने, ओ भाई, अलोक सबसे आगे निकल गया, अलोक ने इस गेम में बाजी मार ली, अलोक ने सबसे पहले रिकवर हो गया इस टाइम। तो भाई लोग, यहाँ पे आपने देखा कि अलोक ने हमारा सबसे पहले रिकवर कर ली अपनी स्किल को, एंड साथ ही हमारा जिंदा रोबोट बहुत ही पीछे रह गया, आधे पे रह गया,
तो यार हमें जो हमारा जिंदा रोबोट है उसकी एक खासियत अच्छी लगी थी कि उसने जो 50 की HP वो सिर्फ 5 सेकंड में रिकवर कर ली थी, मतलब 1 सेकंड में 10 HP उसने रिकवर ली थी, अब अपनी EP में से ली थी। तो यहाँ पे अभी जो एक ही हमें चीज अच्छी देखने को मिली हमारे जिंदा रोबोट की। एंड उधरी साइड हम हमारे अलोक की देखें तो अलोक में भाई काफ़ी सारी चीज़ है, जैसे वो हमारी मूवमेंट स्पीड बढ़ाता है, जल्दी अपनी स्किल को रिकवर करता है, अपने को HP देता है, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी HP देता है। तो इस रेस में तो यार मेरे को सबसे बेस्ट जो है वो अलोक लगा है। आपको कौन सा कैरेक्टर लगा है वो मेरे को बताना है। जिसके जिन जिन लोगों के पास अलोक कैरेक्टर नहीं है उनके लिए हमारा जो जिंदा रोबोट है A124 है वो एकदम बेस्ट कैरेक्टर है, उसको यूज करें। अगर आपके पास अलोक नहीं है तो ये एकदम HP आपको दे देगा, सिर्फ 5 सेकंड के अंदर 50 की HP दे देगा, तो इस कैरेक्टर को जरूर यूज करिए। तो गाइस बस आज के वीडियो में इतना ही, और मेरे को बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा जो A124 है वो इस रेस में बहुत ही हार गया। मेरे को लगा कि अलोक को टक्कर देगा, एकदम कांटे की टक्कर होंगी, बट यार अब अलोक हमारा अलोक है, उसने उसके लेवल पे A124 को चुने भी नहीं दिया। एंड गाइस काफी सारे ऐसे कैरेक्टर है जिनके आपस में हम इस टाइप से बैटल करवा सकते हैं। तो आपके ध्यान में कोई ऐसा कैरेक्टर है अब तो यार हमें कमेंट जरूर करें, एंड आपको कौन सा कैरेक्टर अच्छा लगता है इन दोनों में से उसका भी कमेंट करें। बाकी सपोर्ट करिए हमारी चैनल को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, बाय एंड टेक केयर।